नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अनेकों त्यौहार एवं उत्सव मनाए जाते हैं। उन्हीं त्यौहारों एवं उत्सवों में दोस्तों एक है गोवर्धन पूजा, जिसे आज पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। तो आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है और गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है, इसका जो है पूजन का महत्व क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गोवर्धन पूजा में चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, ये परंपरा हमारे देश की है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने के लिए आप हमारी वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाइए। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद गिरिराज भगवान पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का पर अन्नकूट उत्सव, गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अन्न का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, साथ ही तेल की पूड़ी आदि बनाने की परंपरा है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि गोवर्धन पूजन सामग्री क्या है। देवता को अर्पित की जाने वाली मिठाई, अगरबत्ती, फूल, ताजे फूलों से बनी माला, रोली, गोवर्धन पूजा सामग्री की सूची में चावल और गाय का गोबर सभी शामिल हैं। 56 भोग, जिसमें 56 विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, तैयार किया जाता है और पंचामृत, शहद, दही और चीनी का उपयोग करके बनाया जाता है। पूजन की विधि क्या है? गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाए जाने चाहिए। इसी दिन गाय, बैल और कृषि के काम में आने वाले पशुओं की पूजा भी की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा घर में करने से धन, संतान और गौ रस की वृद्धि होती है, अर्थात दूध की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा होती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा करते समय ये गलतियां कतई न करें। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन बंद कमरे में ना करें। गायों की पूजा करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा करना ना भूलें। परिवार के सभी लोग अलग अलग होकर पूजा ना करें। पूजन में सम्मिलित लोग काले रंग के कपड़े ना पहने, हल्के पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहने। गोवर्धन पूजा के दिन गाय या जीवों की सेवा करें। आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना ना भूलें। अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। दोस्तों, गोवर्धन पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेन रूपेण संस्थिता घृतम बहत यज्ञार्थे मम पापम वैपोहतु। यानी सायंकाल पश्चात पूजित गायों से
पूजित गोवर्धन पर्वत का मर्दन कराएं, फिर उस गोबर से घर आंगन लीपें। आइए जानते हैं दोस्तों गोवर्धन पूजा की कथा क्या है। विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। यह सब देखकर बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण ने पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा कि इंद्र देव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहाँ चरती हैं, वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह सब देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी अंगुली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा था, इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई। आप इसे अगली पीढ़ी को प्रदान कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व है। आशा करता हूँ कि आपके घरों में भी गोवर्धन पूजा आज हो रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए इन पूजा पाठों में अपने बच्चों को भी जरूर संलग्न कीजिए।